नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं झकास भारत। मैं आदित्य आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता होगा, कोविड-19 कोरोना वायरस को लेकर पूरी दुनिया और पूरे इस भारतवर्ष पूरा लॉकडाउन के चपेट में आ चुका है। पूरा दुनिया में लॉकडाउन अभी प्रभावित है। प्रधानमंत्री जी के आदेशानुसार 3 मई तक लॉकडाउन हिंदुस्तान में भी लगा हुआ है। इसी बीच आप देख सकते हैं कि बिहार के नवादा के विधायक अनिल सिंह अपनी पुत्री को ला चुके हैं, क्योंकि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कहा था कि कोई भी बाहर के लोग यहाँ नहीं आएंगे। और उसी बीच आप देख सकते हैं यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी 300 बस से ऊपर भेज के कोटा राजस्थान में अपने फंसे हुए छात्रों को अपने राज्य ला चुके हैं। और ये मांग लगातार बढ़ती जा रही है कि जो भी छात्र बिहार के छात्र कोटा में फंसे हुए हैं, उन छात्रों को भी लाया जाए। हम लोग के पास लगातार इंटरव्यू हम लोग लेने का प्रयास कर रहे हैं उन छात्रों को जो भी फंसे हुए हैं। उन छात्रों से जो वीडियो अपील है वो भी हम लोग वो लोग भी भेज रहे हैं हम लोग को वीडियो अपील कि हम लोग को भी लाया जाए। हम लोग मीडिया के माध्यम से वो हम लोग को लगातार हमसे संपर्क भी कर रहे हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से उन तमाम छात्रों को जो भी बिहार और पूरे देश के छात्र, पटना विश्वविद्यालय हो चाहे पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय हो, मगध यूनिवर्सिटी हो, चाहे तमाम यूनिवर्सिटी और बिहार से जो भी छात्र बाहर कोटा राजस्थान या दिल्ली कहीं भी जाके पढ़ रहे हैं, उन तमाम तमाम छात्र हमसे सीधा संपर्क कर सकते हैं। नीचे दिए गए नंबर पे आप लोग हमसे संपर्क करें और अपने वीडियो को हमें भेजें। हमसे ये नंबर पे आप संपर्क करके हमसे बात भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे भी हम लोग को मैसेज कर सकते हैं, ताकि हम आपकी आवाज़ को सरकार तक पहुँचाने का काम करें। जय हिंद, वंदे मातरम।